हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रेमास क्रिएटिव आइडियाज़। आज का फर्स्ट DIY इस केक बॉक्स से बनाने वाली हूँ। तो ये केक बॉक्स जो है, इसे मैं 2 DIY बनाने वाली हूँ। तो इस तरह से कुछ पीसेस मैंने कट कर लिया है, शेप इस तरह से, शेप में ये रेक्टेंगल और स्क्वायर में है। तो ये इस तरह से मैंने एक कपड़े का जो बॉक्स रहता है, साड़ी या फिर कोई भी कपड़े का ड्रेस बच्चों का, तो उस बॉक्स से मैं कुछ बनाने वाली हूँ। तो ये इस तरह से मैंने कार्डबोर्ड जो कट कर लिया था, ये बेस में जो है वो केक का है, और ऊपर से मैंने ये जो कपड़े का बॉक्स आता है उसको मैंने चिपकाया है सेम शेप में, क्योंकि ये जो ऊपर का कपड़े का बॉक्स जो है वो बहुत स्मूथ रहता है और शाइनी दिखता है। तो आपको अलग से वाइट कलर करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने चिपकाया है, ये झटपट बन जाएगा। और इसके ऊपर इस तरह से ब्लैक जो टेप आता है, जो इलेक्ट्रिक में यूज़ होता है, उसी का ये ब्लैक कलर है जो ये वायर में वगैरह चिपकाते हैं इलेक्ट्रिशियन, तो उसी का मैं इस तरह से फ्रेम के जैसे बना रही हूँ। तो आप देख सकते हैं ये एकदम सिंपल है, इसको इस तरह से कट करना है, और आपको जिस साइड में आपको डिस्प्ले करना है उस साइड में थोड़ा सा चौड़ा लेना है, बाकी साइड में आप उसको चिपकाने के लिए छोटा भी रख सकते हैं बैक साइड में। तो इस तरह से देखिए ये शाइन कर रहा है, ये जो टेप है वो भी शाइन करता है, और ये जो बॉक्स है जो आप जो लिए थे बॉक्स जो यहाँ मैंने यूज़ किया है कपड़े का बॉक्स जो आप शॉपिंग करके आते हैं, तो ये दोनों भी शाइन करता है। तो इसके अलग से मैंने यह वाइट कलर यूज़ नहीं किया है बेस में। तो इस तरह से मैंने कुछ डिज़ाइन पैटर्न बनाए। तो यहाँ मैंने इस तरह से कलर लिया है, ये अल्कोहल मार्कर है। तो ये अल्कोहल मार्कर जो है मेरी बेटी का है, तो मैं यह चाहती थी कि थोड़ा सा यूज़ करके देखूँ ये कैसा है, तो मुझे यूज़ करना था कहीं। तो यहाँ मैं कुछ छोटे छोटे पैटर्न्स बनाई, इसलिए मैंने यह मार्कर का यूज़ किया है। आप चाहे तो कोई भी सरफेस में इसको यूज़ कर सकते हैं, अच्छा है, और ये स्मूथ सरफेस है, इसलिए कुछ ज़्यादा ही अच्छा शाइन कर रहा है। तो आप इस तरह से कुछ कुछ पैटर्न आप बना सकते हैं। तो ये मैं किचन डेकोर कर रही हूँ, तो इसलिए मेरे किचन के अकॉर्डिंग टू ये मैंने कुछ बनाया है पैटर्न। आप चाहे तो कोई भी और दूसरा भी पैटर्न बना के आप इस तरह से फ्रेम बना सकते हैं। ये ज़ीरो कॉस्ट फ्रेम है, आप जेट पर भी बना सकते हैं, और इसमें कुछ मुझे ज़्यादा लगा नहीं है, तो सिर्फ कलर ही लगा। आप चाहे तो एक्रेलिक कलर भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए ये तो इस तरह से ईजी पैटर्न आप बना सकते, बच्चे भी बना सकते। आप चाहे तो आप इस तरह से फ्रेम बना के बच्चों को भी दे सकते हैं, आप उनसे भी कुछ भी पैटर्न बना के इस तरह से वॉल हैंगिंग बना सकते हैं। तो देखिए इसका अभी सेकेंड DIY के लिए यहाँ मैंने लिया इस तरह से, ये जो है सॉक्स के अंदर रहता है इस तरह का ये पैटर्न, जिसमें सॉक्स थे, तो ये इसी में ये सॉक्स के ऊपर ये कवर था। तो इसको मैं फेंकने से अच्छा इसको कुछ मैं बना लूँ, इस तरह से मैं कुछ बनाने का सोच रही थी। तो इस तरह से मैंने कुछ किचन के लिए बना रही हूँ। तो इसे ब्लैक कलर करके आप इसके ऊपर कुछ भी कोड लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ लिखी है किचन। तो आप इस तरह से एकदम फेंकने वाली चीज़ों से भी बना सकते हैं। यहाँ पे भी मुझे कुछ ज़्यादा कुछ नहीं लगा है, बस थोड़ा सा मेहनत, थोड़ा सा टाइम और थोड़ा सा कलर बस। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ कुछ कोड लिखा है किचन करके, आप कुछ भी कोड लिख सकते हैं। तो ये फेंकने वाली चीज़ों से भी आप इस तरह से DIY बना सकते हैं। तो देखिए इस तरह से बन गया। अब इसके बाद आप बना सकते हैं इसके ऊपर आप कुछ भी, आप और कुछ डेकोर करना है तो कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने कुछ स्पून ले रही हूँ, बना रही हूँ सेम ये कार्डबोर्ड है जो ये कपड़े के बॉक्स का एक कार्डबोर्ड है, तो ये शाइन वाला जो फर्स्ट DIY में लिया था वही है। तो ये बैक साइड से थोड़ा हार्ड था, तो इस तरह से मैंने कट कर लिया है स्पून के शेप में। तो मैंने 4-5 इसको स्पून और इस तरह से कुछ किचन आइटम्स को बनाई हूँ, और इसको कट करके ब्लैक कलर कर रही हूँ। तो आप भी इस तरह से ये ऐसे झटपट बना सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तो इस तरह से मेरे जो भी वीडियो है इस तरह से वेस्ट मटेरियल के ऊपर ही बनाती हूँ। तो जो मैंने बनाया है किचन के इस तरह से मटेरियल जो आइटम्स हैं किचन के, तो उसी को मैं यहाँ
और फेविकॉल से चिपका रही हूँ। तो ये इजी डी आई वाई है, आप कोई भी बना सकते हैं। तो इस तरह से आप कुछ भी आप इस तरह से बना सकते हैं और इसके ऊपर चिपका सकते हैं ताकि ये एक अच्छा लुक देखिए, आपके किचन को डेकोर कर सकते हैं। तो देखिए ये एकदम सिंपल है। तो इस तरह मैंने कुछ कट करके जो मैंने स्पून रखा था इसको मैं बैक साइड से चिपकाई हूँ। तो देखिए इस तरह से बन गया है। फिर ये एक पेपर से मैंने एक जूट रोप ले ली हूँ, उसको जूट रोप को दोनों साइड से इस तरह से फेविकॉल से पेपर लगा के चिपकाई हूँ। आपको अगर चाहिए तो इसके ऊपर और भी अगर चिपकाना है तो मास्किंग टेप भी चिपका सकते हैं। तो इस तरह से मैं बन गया है और थोड़ा सा ये रियली लुक दिखे, रियल लुक दिखे, इसलिए मैंने यहाँ थोड़ा सा वाइट कलर से स्पून को कर दिया। तो देखिए इसका फाइनल लुक।